अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था 26 जुलाई 1947 को। इसका फर्स्ट सेशन हुआ था 10 अगस्त 1947 को सिंध असेंबली बिल्डिंग कराची में। इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको इलेक्ट किया गया था 11 अगस्त 1947 को। और इसका डिप्टी प्रेसिडेंट था मौली तमीज़ुद्दीन खान। मिस्टर जे एन मैंडल इसको इलेक्ट किया गया था टेम्प्ररी चेयरमैन इस असेंबली का। नेशनल फ्लैग को फॉर्मली अप्रूव किया गया था इसी असेंबली में 11 अगस्त 1947 को। और इनिशियली इसके मेंबर्स थे 69 और बाद में 10 मेंबर्स ऐड किए गए थे, जिसके बाद 79 मेंबर्स हो गए थे। इसी असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था और ये असेंबली 24 अक्टूबर 1954 में डिसॉल्व हुई थी, जिसको रिजॉल्व किया था गवर्नर मलिक गुलाम मोहम्मद ने। और नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया गया था और अप्रूव भी उसी में किया गया था। प्रेजेंट पेश किया गया था 7 मार्च 1949 को और 5 डेज तक इसकी डिबेट चलती रही। देन फाइनली 12 मार्च 1949 को इसको अप्रूव किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ लियाकत अली खान। और नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी 28 मई 1955 में फॉर्म की गई थी और इसके मेंबर्स थे 80 मेंबर्स थे इस असेंबली में। और इसने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया था पाकिस्तान का। वन यूनिट, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका वन यूनिट का कॉन्सेप्ट दिया था मोहम्मद अली बोगड़ा ने 22 नवंबर 1954 में। और ये पास हुआ था नेशनल असेंबली में 30 सितंबर 1955 को। और लाहौर इनिशियली इसका कैपिटल था वन यूनिट का। और सिंध असेंबली और ईस्ट पाकिस्तान ने फुली अपोज किया था इस वन यूनिट को, की कैंपेन को। और सीएम ऑफ सिंध पीरज़ादा अब्दुल सत्तार था, जिसको मलिक गुलाम मोहम्मद ने डिसमिस किया था। और इसके बाद अयूब खोड़ो को अपॉइंट किया गया था एज ए न्यू सीएम ऑफ सिंध। और ये वन यूनिट डिसॉल्व हुआ था 1 जुलाई 1970 को। जनरल यहिया खान ने इसको डिसॉल्व किया था। और ग्वादर पोर्ट, जिसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान अफेयर्स में, इसको परचेज़ किया गया था ओमान से। और ये ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में है। और कितने में ख़रीदा गया था? $3 मिलियन में। 8 सितंबर 1958 में ये परचेज़ किया गया था। किसने परचेज़ किया था? पीएम फिरोज़ खान ने और उसकी वाइफ विक्रमनिसा, दोनों के एफर्ट्स की वजह से ये जो ग्वादर पोर्ट ख़रीदा गया था। और ग्वादर पोर्ट को तहसील का स्टेटस मिला था मकरान डिस्ट्रिक्ट का 1 जुलाई 1977 को। अगर मेरे आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। प्लीज़, आपकी अप्रिसिएशन मेरे लिए इनकरेजमेंट होगी। थैंक यू।